जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल radhakrishna.com पर स्वागत है। तो आइए, आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी फिर से लेकर आया हूँ, जिसका नाम है खिचड़ी मूंग दाल। पीली मूंग दाल की खिचड़ी और चावल की सब्जियों के साथ बड़ी स्वादिष्ट झटपट बन के तैयार होने वाली रेसिपी आज मैं आपको दिखाऊँगा। तो हमने खिचड़ी बनाने के लिए ये चावल और दाल दोनों को दो दो मुट्ठी चावल दो मुट्ठी दाल हमने लिए, जिसको हमने धो के अच्छे से ले लिए। उसके बाद शिमला मिर्च, हरा धनिया बारीक कटा, पालक के पत्ते बारीक कटे, गाजर, मटर, टमाटर, बीन्स, एक हरी मिर्ची, इसको हमने बीच से कट कर लिया है, थोड़ा सा अदरक के टुकड़े, दो मीडियम साइज के आलू। तो आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं खिचड़ी बनाना। ये हमने कुकर लिया है, कुकर अभी हमारा गर्म हो गया है। अभी इसके अंदर हम देसी घी डालेंगे। हमारा घी गर्म हो चुका है, अभी हम इसके अंदर साबुत जीरा डालेंगे, थोड़ी सी हींग डाल देंगे। अभी इसके अंदर अदरक, हरी मिर्च, अभी टमाटर। हम अब इसके अंदर बाकी सभी सब्जियों को डाल देंगे, मटर, शिमला मिर्च, गाजर, ये आलू, पालक। अब हम इसको अच्छे से एक से दो मिनट भून लेंगे। अब हम इसके अंदर हल्दी डाल देंगे। अब थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। देखिए, अभी हमने मसाले डाल दिए हैं, अभी ये हमारी थोड़ी सी भुन गई हैं। अब हम इसके अंदर दाल और चावल जो हमने भिगा के धो के साफ करके रखे हैं, इनको भी डालकर थोड़ी देर भूनेंगे सब्जियों के साथ। इस तरीके से हम इसको अच्छे से गैस का फ्लेम आप मीडियम और हाई बीच बीच में करके भून लें। अभी हम इसके अंदर पानी डाल देंगे, और पानी आप ध्यान रहे कि ज़्यादा ही रहे, कम ना रहे, नहीं तो फिर हमारी खिचड़ी पकने के बाद सूखी हो जाएगी। अभी ये देखिए, हमारे हमने कितनी अच्छे से इसमें पानी भी डाल दिया है, सब कुछ कर दिया है। अब हम इसके अंदर नमक डालकर, नमक आप अपने स्वाद अनुसार चेक करके डालें, नमक डालकर इसके अंदर हम सीटी लगाएंगे दो। ये देखिए, हमारी खिचड़ी अभी बनकर तैयार है, और कितनी अच्छी, इसमें सब पूरी सब्जियां हैं, तो ये शरीर के लिए भी कितनी हेल्दी है। अभी हम इसको एक बर्तन में निकाल देंगे। तो ये देखिए, अभी हमारी खिचड़ी तैयार है, पीली मूंग की खिचड़ी। साथ में हमने दही लिया है, अचार, हरी मिर्च, तो आप पापड़ भी ले सकते हैं, और देसी घी भी ऊपर से डाल सकते हैं, सलाद के साथ भी खा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिना प्याज लहसुन की हमारी खिचड़ी बनकर तैयार हुई है। और इस खिचड़ी का जो सबसे ज़्यादा प्रिय है हमारे ठाकुर जी को, ये खिचड़ी प्रिय है, तो ये पीली मूंग की खिचड़ी है। और अगर आप दो आदमी के हिसाब से बनाएं, तो दो मुट्ठी चावल दो मुट्ठी पीली मूंग दाल लें, तो दो आदमी के लिए खिचड़ी अच्छी रह बनेगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो और ये खिचड़ी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।